जय हिंद ऑफ यू। एमपीएससी मेंस 2019 की वीडियो लेक्चर की सीरीज़ में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में। ये जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है वो एमपीपीएससी मेंस के जीएस पेपर थर्ड के पार्ट ए, जो कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी यानी कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी है, उसके अंतर्गत रसायन विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री से पूछा गया एक टॉपिक है। इस टॉपिक के अंतर्गत हम प्लास्टर ऑफ पेरिस को कितनी आसानी से पढ़ सकते हैं यदि आप साइंस बैकग्राउंड से नहीं भी हैं, यानी कि आप विज्ञान से जुड़े हुए छात्र नहीं हैं, तब भी आप किस तरह इसे अच्छे से तैयार कर सकते हैं और इसकी कितनी अच्छे से आंसर राइटिंग कर सकते हैं, उत्तर लिख सकते हैं मेंस में, वो आज हम इस वीडियो में देखेंगे। इसके अलावा ये जो टॉपिक है वो इस वजह से भी चुना गया है क्योंकि जो ये टॉपिक है एनसीईआरटी, जो 10th क्लास की एनसीईआरटी है, उसके अंतर्गत जो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विषय है उसमें पूछा गया एक टॉपिक है। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि एनसीईआरटी से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा कि प्लीज़ आप यहाँ पर एक बार एनसीईआरटी को ज़रूर रीड करें, क्योंकि काफ़ी हद तक जो आपके टॉपिक हैं, जो पूछे जाने वाले टॉपिक हैं, एनसीईआरटी से पूछे जा रहे हैं। तो काफ़ी अच्छा होगा यदि आप एक बार भी एनसीईआरटी को रीड कर लेते हैं। अब जो प्लास्टर ऑफ पेरिस टॉपिक है इसकी शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले इसकी जो ऐतिहासिक महत्व है उसको समझ लेते हैं। आप सभी मिस्र के बारे में तो सभी जानते होंगे, मिस्र जिसे हम इजिप्ट के नाम से भी जानते हैं, जो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है या अफ्रीका महाद्वीप है उसमें एक देश पाया जाता है मिस्र। मिस्र में बहुत बड़ी 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 रचनाएं हैं, संरचनाएं हैं, जैसे कि पिरामिड हो गया, इसके अलावा और भी बहुत बड़ी मूर्तियां हो गई। ये जो पिरामिड मूर्तियां हैं ये सभी काफ़ी बड़ी संरचना के रूप में हमें दिखाई देती हैं। सबसे बड़ा क्वेश्चन ये उठता है कि ये संरचनाएं बनाई कैसे जा सकें। अगर आप इनके जो पत्थर या ब्लॉक होते थे वो अगर देखेंगे तो ये कई हजार फुट के भी होते थे, तो इनको किस तरीके से एक जगह से दूसरे स्थान, एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाया जाता होगा। इसके अलावा सबसे जो महत्वपूर्ण प्रश्न है कि इन्हें जोड़ा कैसे जाता था। ये ब्लॉक चलिए किसी तरह से एक जगह से दूसरी जगह ले जाए जाते थे, लेकिन इतने बड़े बड़े ब्लॉकों को जोड़ा कैसे जाता था। तो इन ब्लॉक्स को जोड़ने के लिए कहा जाता है कि मिस्र में जो जिप्सम है इसे सबसे पहले जलाया जाता था। जलाने के बाद इसे कूट कूट कर एक बारीक चूर्ण तैयार किया जाता था, और जब ये बारीक चूर्ण तैयार हो जाता था तब इसमें जल को मिला दिया जाता था, जिसके बाद ये जो पदार्थ तैयार होता था इसे कहते थे हम प्लास्टर, जिसका उपयोग इन बड़ी बड़ी मूर्तियों के जो ब्लॉक्स थे या जो पिरामिड के ब्लॉक्स थे उनको जोड़ने में किया जाता था। लगभग ये जो काम थे ये 5000 साल पहले के थे, 5 से 6000 साल पहले इस तरह से उन ब्लॉक्स को जोड़ने का काम किया जाता था। तो ये जो प्लास्टर तैयार होता था ये प्लास्टर इस जिप्सम के द्वारा तैयार होता था। अब ये जो जिप्सम है ये जिप्सम मिलता था माउंट मार्त्रे पर्वत से या माउंटेन से। ये जो माउंट मार्त्रे पर्वत था ये पाया जाता था पेरिस में, इसी वजह से जो इस प्लास्टर का नाम पड़ा इसे पूरा मिला के कहा जाने लगा प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो इस तरह इसके नाम की उत्पत्ति हुई। आज हम इसे POP के नाम से भी जानते हैं। आपने सुना होगा POP मतलब कि प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब इसके जो रासायनिक सूत्र की यदि मैं बात करूं तो जो इसका रासायनिक सूत्र है ये रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 1/2 H2O। ये है रासायनिक सूत्र
किसका? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का। यदि हम इसे रासायनिक नाम से पढ़ें तो यह होगा कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट, यानी कि जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है इसका रासायनिक नाम होता है कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट। अब यदि इस पूरे रासायनिक सूत्र में हम दो का मल्टीप्लाई यानी कि गुणा कर देते हैं तो ये कुछ इस तरह से होता है, 2 × CaSO4, 2 × 1/2 H2O, H2O मतलब होता है यहाँ पर जल, लेकिन इसे 1/2 होने के कारण हम इसे हेमीहाइड्रेट पढ़ेंगे। ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे जो अगला सूत्र बनेगा वो होगा 2 CaSO4 H2O, बाद में इसे हम परिवर्तित करके लिख देंगे CaSO4.2H2O। ये जो नया रासायनिक रूप आपको दिखाई दे रहा है इसे हम पढ़ते हैं कैल्शियम सल्फेट डाई हाइड्रेट। ये जो आप रासायनिक सूत्र देख रहे हैं ये होता है जिप्सम का रासायनिक सूत्र। तो आप देख सकते हैं कि जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है वह किसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है? जिप्सम। अब कैसे किया जाता है, इसका विघटन कैसे होता है, वो मैं आपको एक रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा बताऊंगा। अभी आपने देखा जिप्सम का रासायनिक सूत्र कैल्शियम सल्फेट डाई हाइड्रेट, इसे हम जिप्सम भी कह सकते हैं और रासायनिक नाम फिर से समझिए कैल्शियम सल्फेट डाई हाइड्रेट। जब इसे 373 के तापमान पर गर्म किया जाता है तब हमें प्राप्त होता है कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट। जो बाकी बचा जल का भाग होता है 1/2 H2O, ये अलग हो जाता है इस जिप्सम से। तो जो बचता है ये होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो यदि हम देखें कि इसमें जो जल का कुछ भाग है इसे अलग कर देने पर, जिप्सम से अलग कर देने पर हमें प्राप्त होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है ये शुद्ध रूप में पाया जाता है, यदि इसमें वापस से जल मिलाएंगे तो ये वापस से जिप्सम के रूप में परिवर्तित हो जाता है। लेकिन जो हम प्लास्टर ऑफ पेरिस का यानी कि POP का उपयोग करते हैं उसमें कुछ विलंबक भी मिलाए जाते हैं। ये जो विलंबक होते हैं ये विलंबक इस तरह से काम करते हैं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस में यदि पानी मिलाया जाए तो लगभग 10 से 15 मिनट का समय लगे इसको वापस से जमने में। ये जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है ये सफ़ेद एक चूर्ण के रूप में आपको दिखाई देता है, तो विलंबक होने के कारण ये अधिक समय लेता है जिसकी वजह से हम इसका उपयोग थोड़ी और समय के लिए कर सकते हैं, क्योंकि अगर जल्दी ये सख्त हो जाएगा तो इसके बाद किसी भी संरचना के लिए इसका उपयोग कर पाना मुश्किल होगा। तो ये आपने देखा कि किस तरह जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है। अब हम बात करेंगे कि प्लास्टर ऑफ पेरिस के उपयोग क्या हैं। तो जो प्लास्टर ऑफ पेरिस के उपयोग हैं उनकी यदि मैं बात करूं तो सबसे पहले आपने प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग देखा होगा अपने घरों में। जो घर होते हैं
उनमें सपाट छत, इसके अलावा जो दीवारें हैं इन दीवारों को चिकना करने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का यानी कि पीओपी का इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा दूसरा यहाँ पर उपयोग की अगर मैं बात करूँ तो दूसरा उपयोग होता है जो मूर्तियाँ बनाई जाती हैं। कभी भी जो हमारे यहाँ नवरात्रि या गणेश चतुर्थी जैसे त्यौहार मनाए जाते हैं तो इन त्योहारों में जो मूर्तियाँ तैयार की जाती हैं तो इनके ढांचे बनाने के लिए, मूर्तियाँ बनाने के लिए भी प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण किया जाता है, सॉरी प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा आपने देखे होंगे आभूषण, तो आभूषण में कई प्रकार की आकृतियां देखी होंगी आपने, तो इन आकृतियों के लिए भी, इन आभूषणों में आकृतियां देने के लिए भी पीओपी यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है। घर पे काफी सजावट के सामान देखे होंगे आपने, इन सजावटी सामानों के निर्माण के लिए भी प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है। जैसे सजावटी सामान में आप फ्लावर पॉट्स देख सकते हैं, वो भी पीओपी यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस के द्वारा बने हुए होते हैं। इसके अलावा यदि मैं बात करूं कि जो खिलौने होते हैं, इन खिलौनों को भी पीओपी के द्वारा ही तैयार किया जाता है, तो खिलौने बनाने के लिए भी पीओपी का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा चिकित्सा के क्षेत्र में भी पीओपी यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है। वो कैसे? आप यदि कभी दंत चिकित्सा के लिए गए होंगे, दंत चिकित्सा में आपने देखा होगा कि जो दांत के ढांचे तैयार किए जाते हैं किसी भी व्यक्ति के लिए, वो पीओपी से ही तैयार किए जाते हैं, यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस से भी तैयार किए जाते हैं। इसके अलावा यदि कोई हड्डी टूट गई है यानी कि कोई अस्थि भंग हो गई है, टूट गई है, तो इसे सही तरह से बैठाने के लिए, सेटल करने के लिए भी प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा प्रयोगशालाएं देखी होंगी आपने यानी कि लैब जो होती हैं, इन प्रयोगशालाओं में जो वायुरोधी उपकरण हैं इनको तैयार करने के लिए भी प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि जो हमारे घर में दीवारें और छत हैं इनमें कई प्रकार की आकृतियां देने के लिए, इन्हें चिकना बनाने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है। जो मूर्तियाँ बनाई जाती हैं उन मूर्तियों को बनाने के लिए भी प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है। आभूषण को बनाने के लिए भी, आभूषणों को आकृति देने के लिए भी प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है। जो सजावटी सामान हैं उनके निर्माण के लिए भी प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है। खिलौने के निर्माण करने के लिए भी प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है। चिकित्सा में अगर मैं बात करूँ तो दंत चिकित्सा के क्षेत्र में, या हड्डी, जो टूटी हुई हड्डी होती है, आपने देखा होगा कि जब भी हम कभी प्लास्टर, जब हमारे हड्डी में चोट लग जाता है तो हम प्लास्टर बंधवा के आते, कहते हैं कि प्लास्टर लगा के आए हैं या प्लास्टर बांध दिया डॉक्टर ने, तो ये प्लास्टर क्या किससे बना होता है? मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस से बना हुआ होता है। जो प्रयोगशालाएं हैं उसमें जो वायुरोधी उपकरण होते हैं उनके लिए भी प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है। तो आप देख सकते हैं कि ये टॉपिक, ज़रूरी नहीं है कि हम विज्ञान शाखा से ही जुड़े हुए हों, हाँ यदि हम विज्ञान शाखा से नहीं भी जुड़े हुए हैं तो बहुत ही कम समय में और कम संसाधनों का उपयोग करके हम इन्हें आसानी से आंसर राइटिंग में उपयोग कर सकते हैं। सो होपफुली ये छोटा सा टॉपिक आपको समझ में आया होगा। जल्दी ही किसी और अच्छे टॉपिक के साथ मैं आपके सामने उपस्थित होऊंगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।